जबलपुर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे एक मंगलसूत्र, नकदी एवं घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपी शातिर लुटेरे बताए जा रहे हैं, जो कि काफी समय से लूट की वारदातों में लिप्त थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लुटेरों से जुड़ी हुई है ये तीन नए लुटेरे जो जबलपुर के हैं। ये इनका टारगेट बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। गोहलपुर में इन्होंने वारदात की थी, जिसमें एक महिला का बैग छीना था, जिसमें 4,000 रुपए था। आधारताल में एक महिला का मंगलसूत्र स्नैच किया था। कोतवाली में इन्होंने अटेम्प्ट किया था मंगलसूत्र का। जैसा आपको पता होगा, महिला को चोट भी आई थी, अपनी स्कूटी से गिर गई थी। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। ये तीन मोहम्मद कलीम 19 साल के हैं, राजा की कुटी के निवासी हैं, सानबाज ये भी 21 साल के हैं, सुल्तान 20 साल के हैं। ये राजापुटी के रहने वाले हैं। अभी इनसे और पूछताछ कर रहे हैं, इनसे और भी घटनाएं स्नैचिंग की पर्दाफाश होने की संभावना है। अभी हम इनको पीआर पे लेंगे और इनसे और पूछताछ करेंगे। इसमें विशेष रूप से दो सिपाहियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।